मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम वर्गीकरण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एनिमल क्लासिफिकेशन तक पहुँचे थे और उसी श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं संघ पोरीफेरा या फाइलम पोरीफेरा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, संघ पोरीफेरा लैटिन भाषा में पोरस यानी पोर और फेरा यानी टू बियर, अर्थात जो लोग क्या करते हैं, ऐसे जंतु जो पोर्स या होल को बियर करते हैं पोरीफेरा कहलाते हैं। जो वैज्ञानिक ग्रांट थे इन 1825 में सबसे पहले पोरीफेरा शब्द का प्रयोग किया। अब हम देखते हैं संघ पोरीफेरा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। सबसे पहला, पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले सभी जंतु कैसे होते हैं, बहुकोशी जंतु होते हैं और जीवन की समस्त क्रियाएं भी कहाँ होंगी, बहुकोशी जंतु के शरीर के भीतर होंगी। इनका जो शरीर होता है वो बेलन के आकार के समान या गुलदान नुमा होता है। इस प्रकार से ये बेलनाकार आकृति में पाए जाते हैं मोस्टली। जिससे ये जंतु कैसे दिखाते हैं, इनमें शाखाएं निकल जाती हैं तो ये अनियमित हो जाते हैं और पौधे के समान दिखाई देने लगते हैं। अर्थात इनका शरीर कैसा होता है, परिवर्तनशील, बदलता रहता है। इन जंतुओं के आकार में व्यासीय सममित, जो कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, रेडियल सिमेट्री या फिर ये एसिमेट्रिकल दिखाई देते हैं। इनका शरीर बहुकोशी दो जनन स्तरों का बना होता है। इनके शरीर को द्विस्तरिक या डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब द्विस्तरी क्या, इसको हम दो अलग कलर से समझाएंगे। इस प्रकार से द्विस्तरी बना होता है ना, पहला स्तर कहलाता है एक्टोडर्म और अंदर की जो कोशिकाओं का स्तर कहलाता है वो कहलाता है एंडोडर्म। त्रिस्तरी संगठन में एक लेयर और होती है जिसको कहते हैं मीजोडर्म। तो ये दो स्तरी संगठन से मिलके बना होता है। शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए इनको छिद्रदेही भी कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पानी इनके शरीर के अंदर आता है और एक बहुत कुछ एक छिद्र कैसे होते हैं, बड़े होते हैं जिनको ऑस्कुला कहते हैं, और जो शरीर में पानी अंदर भरता है वो इन्हीं ऑस्कुला के द्वारा बाहर निकलता है। इनके शरीर में नलिकाएं या नलिका तंत्र का निर्माण करती हैं। शरीर के बीचों बीच में एक गुहा होती है जिसे स्पॉन्जोसील या स्पंज गुहा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये अनेक क्वेश्चन एग्जाम्स में आता भी है कि स्पॉन्जोसील बेयर करने वाले संघ के प्राणी कौन से हैं और उनके संघ का नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम। शरीर के भीतरी स्तर की रचना विशेष कोशाओं को, जो अंदर की कोशिकाएं रहती हैं, मतलब ये हो गया इनका एक्टोडर्मल लेयर, और जो एंडोडर्मल लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है कोनोसाइट। ये जो कोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं इनमें किसकी फ्लैजिला या कशाभिका पाई जाती है, जो कि बॉडी के अंदर मतलब जीवधारी के शरीर के अंदर जल धारा को मार्ग देने का काम करते हैं। मतलब ये जब हिलते डुलते हैं तो पानी अंदर एंटर करता है। इन जंतुओं में मुख नहीं होता, परंतु छोटे छोटे रंध्र जो है वो मुख का कार्य करते हैं। मतलब इन्हीं ऑस्टिया के द्वारा ही ये भोजन ग्रहण करते हैं। ये जल बाहर जल इनके अंदर जाता है और जो निष्कासन है व्यर्थ पदार्थों का वो भी इन्हीं के माध्यम से होता है। अब इनका जो वर्गीकरण है, तो इनमें जो कंकाल तंत्र मतलब बहुत डिफाइन नहीं रहता, लेकिन थोड़ा कंकाली उनके उपस्थिति के कारण वो किस पदार्थ से बना है उसके आधार पर ये तीन प्रकार से बांटे गए हैं। पहला कैल्केरिया या कैल्की स्पंजी, दूसरा हेक्सेटिनेलिडा यानी हाइलो स्पंजी और तीसरा डिमो स्पंजिया। अब इनको क्या इनके लक्षण है इसको हम आगे समझते हैं। पहला है वर्ग कैल्केरिया या कैल्की स्पंजी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कैल्शियम, कैल्केरिया से कैल्शियम, तो इसकी जो कंटिकाएं होती हैं समुद्री स्पंज की कंकाल कंटिकाएं कैसी होती हैं, बड़ी और कैल्शियम कार्बोनेट की बड़ी होती हैं और
जो नॉल प्रणाली होती है, मतलब इनके अंदर वो एस्कान या माइकान श्रेणी की होती है। उदाहरण है इसका ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन। दूसरा वर्ग है हेक्सेटिनिलिडा या हाइलोस्पंजी। ये इसमें कंकाल जो होता है वो रंगहीन होता है, पारदर्शक चमकदार सिलिका की छोटी कंडिकाओं का बना होता है। यहाँ पर कैल्शियम का बना था इसलिए कैल्किस्पंजी हो गया, और ये हाइलोस्पंजी है सिलिका का। हाइलो यानी रंगहीन, तो कंकाल रंगहीन होता है। नाल प्रणाली जो होती है वो ल्यूकोन श्रेणी की होती है। उदाहरण यूप्लेक्टेला और हाइलोनीमा। तीसरा वर्ग देखते हैं जिसको कहते हैं डेमोस्पॉन्जिया। इसमें अधिकांश कैसे होते प्राणी समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ अलवण जलीय भी होते हैं। कुछ में कंकाल नहीं होता, कुछ में सिलिका की कंटिकाएं होती हैं, कुछ में गंधक युक्त प्रोटीन स्पंजिन के धागों का कंकाल होता है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। तथा कुछ में सिलिका की कंटिकाएं एवं स्पंजिन धागे दोनों मिलकर कंकाल बनाते हैं। उदाहरण यूस्पॉन्जिया। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जंतु इसके समुदाय के। तो पहला है साइकान या स्काइफा, या जिसको हम स्पॉन्ज बोलते हैं। शरीर कैसा होता है? फूलदान के समान। ये फूलदान नुमा आकृति आपको दिखाई दे रही होगी पूरी। समुद्री जंतु है, चट्टानों पर चिपका रहता है। इस बेस से ये किसी भी समुद्र की चट्टान पर चिपका रहता है। शरीर छिद्रित पोरस, यानी इसकी पूरी बॉडी में क्या रहता है, पोर पाया जाता है, पोरस स्ट्रक्चर पाया जाता है और बेलनाकार होता है। शरीर पर उपस्थित छिद्र ऑस्टिया कहलाते हैं। ये जो छोटे छोटे छिद्र है ना, इनको कहते हैं ऑस्टिया। अब देह गुहा में बाहर की ओर ऑस्कुलम द्वारा खुलती, ऊपर जो ये बड़ा छिद्र पाया जाता है ये कहलाता है ऑस्कुलम। इसको कहते हैं ऑस्कुलम। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र है बच्चों, इनके माध्यम से शरीर में पानी अंदर प्रवेश करता है, और इस बड़े छिद्र ऑस्कुलम के माध्यम से पानी बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है यूस्पॉन्जिया। इसके लक्षण देखें। ये समुद्र के उथले जल में चट्टानों के तलों पर पाया जाने वाला जंतु है। शरीर गोल एवं प्याले नुमा है। शरीर पर रंध्र एवं अनेक ऑस्कुला उपस्थित होते हैं। कंकाल स्पंजिन सूत्रों का बना होता है, और इसको बॉथ स्पंज भी कहते हैं। तो ये था बच्चों फाइलम कोरिफेरा के महत्वपूर्ण लक्षण और उसके कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे संघसीलेंट्रेटा का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको नोटबुक में अच्छे से नोट करें, याद करें। थैंक यू बच्चों।